बिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने की अजीबोगरीब कारनामे। मधुबनी में एफसीआई के डोर स्टॉप डिलीवरी वाहन से शराब की तस्करी। बिफसी में एफसीआई के पिकअप वाहन से भारी मात्रा में शराब हुआ बरामद। एक तस्कर को पुलिस ने देसी शराब लदे पिकअप के साथ दबोच लिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद शराब की होम डिलीवरी की चर्चाओं के बीच अब एफसीआई के डोर स्टॉप डिलीवरी वाहन से शराब डिलीवरी का मामला सामने आया है। घटना मधुबनी जिले के बिस्फी की है, जहां एफसीआई के पिकअप से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद हुआ है। एक कारोबारी को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने बिफसी चौक के पास छापेमारी कर 3900 बोतल नेपाली शराब जब्त किया है। शराब के साथ धराए पिकअप से एफसीआई गोदाम से डीलर की दुकान पर अनाज पहुंचाया जाता है। पुलिस ने इस मामले में एक शराब धंधेबाज शगुन पासवान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्फी थाना पुलिस के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बिस्फी चौक के समीप राम बाबू के घर के पास एक एफसीआई का पिकअप वाहन खड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में शराब है। सूचना मिलते ही बिस्फी थाना के एएसआई हरिंद्र राय, सुरेश चौधरी, डीके दिवाकर, रविंद्र कुमार दलबल के साथ पहुंचकर पिकअप वाहन की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में नेपाली देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने तस्कर शगुन पासवान को मौके से गिरफ्तार कर लिया और शराब लदे वाहन को जब्त कर लिया। पिकअप से बरामद शराब 3900 बोतल नेपाली देसी शराब बताया गया, जो करीब 1170 लीटर की मात्रा में पाया गया। पुलिस ने वाहन को जब्त करते हुए गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी से संतोष मंडल की रिपोर्ट।